गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास ट्वेल्थ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जी। चैप्टर नेम है अकाउंटिंग रेशियो। ये जो चैप्टर है आपका, जो आपकी 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल है वाइवा का, उसके अंदर इसके क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम पुट किए जाएंगे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जी। चैप्टर थोड़ा लेंथी है लेकिन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा है, और क्वेश्चन ज़्यादा भी हैं लेकिन क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल वो छोटे छोटे हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं जी। चैप्टर नेम है अकाउंटिंग रेशियो। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास, रेशियो क्या चीज़ है, रेशियो को समझते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म इज कॉल्ड ए रेशियो। मैं रेशियो का मतलब सिंपली क्या होता है, कोई दो फिगर होंगी, उन फिगर का जो रिलेशनशिप है वो जो एक्सप्रेस किया जाएगा हमारा, वो अर्थमेटिकल टर्म्स के अंदर किया जाएगा, जिसे हम रेशियो कहेंगे। एक और चीज करते हैं जी, डेफिनेशन है, ए रेशियो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर। भी जो एक नंबर है वो एक्सप्रेस्ड हो करेगा अनदर चीज को, ठीक है। इट इज फाउंड बाई डिवाइडिंग वन नंबर इन टू दी अदर। मतलब इसके अंदर सिंपली क्या होगा कि एक नंबर जो डिवाइड होगा किसी दूसरे नंबर से, क्लियर है जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं 1 लाख, जैसे ये एक नंबर है 1 लाख, इसको मैंने डिवाइड कर दिया जी सेकंड नंबर 50,000 से, तो ये जो आंसर आ गया जी 2:1 आ गया। तो यही हमारे पास 2:1 जो होगी वही हमारा रेशियो का काम करेगी। बट हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो मतलब क्या चीज़ है, मतलब सिंपली जिसके अंदर अकाउंटिंग की कुछ टर्म्स होंगी, लाइक जैसे करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है जी। जब हम उनकी रेशियो निकाल लेंगे तो वो हमारी अकाउंटिंग रेशियो बन जाएगी जी, क्लियर है जी। आगे है हमारे पास इसी के अंदर, रेशियो में भी कई टाइप से हो सकती है। फर्स्ट नंबर सिंपल रेशियो, जिसे प्योर रेशियो भी कहेंगे या प्रोपोर्शन भी कहेंगे। जैसे कि 2:1 है मेरी, वो एक सिंपल रेशियो है, ठीक है जी। हमारे पास रेशियो रेट या सो मैनी टाइम्स की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइक 2 times, 3 times, 4 times, इस तरीके से भी रेशियो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं इसे करंट असेट मान लूँ और ये मेरी करंट लाइबिलिटीज़ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो करंट असेट है मेरी वो 2 times है किस चीज़ का, करंट लाइबिलिटी का, क्लियर है। रेशियो हमारी परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 lakh upon 50,000 into 100 कर दूँ, ठीक है जी, तो जो भी अब आंसर आएगा मेरा वो क्या निकलेगा जी, 200% में आ जाएगा। मतलब 100 लगा दिया तो 100 डिनोट करता है हमेशा परसेंटेज के लिए, ठीक है जी। फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती है, फॉर एग्जांपल 1.1/5 लिख दें या 1/4 लिख दें, वो हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा जी, ठीक है जी। तो आगे है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। तो लो जी, रेशियो के जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास 4 types से है जी। जैसे फर्स्ट नंबर है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को हम शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशियो भी कहेंगे। और सेकंड है हमारे पास सोलवेंसी रेशियो, इसको हम लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशियो भी कहेंगे। और सी है हमारे पास एक्टिविटी रेशियो, जिसे हम टर्नओवर रेशियो भी कहेंगे। एंड डी है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो है जी। मतलब जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमारे पास वो इन 4 ratios के अंदर डिवाइड किया गया है जी। और इन 4 ratios के अंदर भी हमारे पास 2, 4, 5 कुछ फॉर्मूलाज होंगे, क्लियर है जी। मतलब इसके अंदर भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल मैक्सिमम लगा लीजिए 17-20 फॉर्मूलाज होंगे जो कि हमारे इस चैप्टर के अंदर रहेंगे, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो लिक्विडिटी रेशियो
जिसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे जी। और फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो होती क्या चीज़ है? तो लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी एज दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। देखो लिक्विडिटी रेशियो है क्या चीज़, कह रहे लिक्विडिटी जो रेफर करती है फर्म की एबिलिटी हो, जबकि उसकी करंट लायबिलिटी जब कभी भी ड्यू हो रही है तो उसको पे करने की फर्म की एक एबिलिटी बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी भी पर्सन के 1 लाख रुपीज़ देने हैं, अब लिक्विडिटी मेरे को ये चीज़ बताएगी कि मैं उस 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट कितनी जल्दी कर पा रहा हूँ। क्लियर है जी, वो लिक्विडिटी रेशियो बता देगी। अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 टाइप्स है हमारे पास मेनली। तो फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास करंट रेशियो। करंट रेशियो का सेकंड नेम याद रखना है वर्किंग कैपिटल रेशियो आपने। तो फॉर्मूला है जी हमारे पास करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट को अगर हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास करंट रेशियो आ जाएगा। एक इसकी हमारे पास आइडियल रेशियो रहेगी। आइडियल रेशियो जो होती है हमारे पास वो 2:1 है जी। यहाँ 2:1 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी पर्सन का 1 रुपीज़ पे करना है तो आपके पास एटलीस्ट करंट असेट 2 रुपीज़ की तो होनी ही चाहिए। मतलब ये आपकी 2 टाइम्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपके पास। क्लियर है जी। मतलब अगर सिंपली अगर मैंने किसी का 1 रुपीज़ पे करना है तो मेरे पास 2 रुपये कम से कम होने चाहिए। अगर मैंने किसी के 2 देने हैं तो मेरे पास 4 रुपये होने चाहिए। अगर मैंने किसी का 1 रुपीज़ पे करना है तो मेरे पास अगर 3 रुपये भी हैं तो भी मेरी कंपनी की पोजीशंस बेस्ट मानी जाएगी। क्लियर है जी। तो हमारी जो आइडियल रेशो रहेगी वो 2:1 रहेगी इस चैप्टर में। इसके बाद है जी हमारे पास करंट असेट्स। कि करंट असेट क्या चीज़ है, मतलब इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ को इंक्लूड करना है। तो करंट असेट्स रेफर्स टू दो सेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ। मतलब वो सारी चीज़ें जिनको आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 12 मंथ, वो हमारी करंट असेट होंगी। करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है BR एंड डेटर्स, उसमें से हम प्रोविज़न को लेस कर देंगे जी। कैश हो गया, शॉर्ट टर्म का लोन एंड एडवांस, अगर आपने किसी को एडवांस दिया है जी तो आपके लिए वो असेट्स है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के अंदर से आपने एक्सक्लूड रखना है, मींस शामिल नहीं करना लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, ठीक है जी। तो ये हमारी सारी के सारी करंट असेट होंगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन 12 मंथ। जो आपने 12 महीने के अंदर पे करना है वो सारी की सारी हमारी करंट लायबिलिटीज हैं। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, मींस जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है हमारा, अगर उसकी करंट मैच्योरिटी आ चुकी है मींस विद इन 12 मंथ पे करना है तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटीज है। सेकेंड है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मीन्स BP एंड क्रेडिटर्स। थर्ड है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको कोई भी इनकम एडवांस मिल गई है तो आपके लिए लायबिलिटीज रहेगी जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, लायबिलिटीज हैं, आपने इन सर्विस ले ली है बट अमाउंट पे नहीं करी, आउटस्टैंडिंग। कॉल इन एडवांस, इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में देखा था, अगर कोई भी पर्सन हमें एडवांस मनी दे देगा टाइम से पहले तो कॉल इन एडवांस वर्ड यूज़ करते थे और हमारे लिए वो भी लायबिलिटीज है। अनक्लेम्ड डिविडेंड मींस जो डिविडेंड पे करना भी बाकी है। क्लियर है जी। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ब्रोइंग्स, मतलब ब्रोइंग मतलब ये पे लोन, कि लोन पर इंटरेस्ट ड्यू हो गया है वो भी हमने पे नहीं करा। क्लियर है जी। कुछ सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं और जिनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब अगर सिंपली कहें कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी या ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्ड जब कभी भी क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रहा है तो समझ लीजिए वो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, उसे हम करंट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे जी।
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो जाए, वो सारी की सारी हमारी क्या है जी, करंट असेट्स रहेंगी। लूज टूल्स हो जाए, पेटेंट्स, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीन्स इनटेंजिबल असेट्स, उसे हमने करंट असेट में इंक्लूड नहीं करना जी। क्लियर है? अगर कोई लोन वगैरह या लोन ऑन मॉर्गेज आ जाए या बैंक लोन आ जाए, इन सारे का मतलब है जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब ये हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज है, हमने इसे करंट लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं करना जी। क्लियर है जी? तो ये चारों पॉइंट हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। देन सेकेंड फॉर्मूला है जी हमारे पास क्विक रेशो। क्विक रेशो को हम एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो भी कहेंगे जी। तो सिंपली ये एक तरीके से रिलेशन बताएगी क्विक असेट और करंट लाइबिलिटीज का। देखो क्विक का मतलब होता है क्विकली, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर मेरे को क्विकली पेमेंट करनी है, ठीक है जी, मीन्स अगर मेरी करंट लाइबिलिटीज अगर आज के आज ही पे करनी है, ठीक है जी, तो मेरे पास कितनी असेट्स है वो चीज़ बताएगी आपकी क्विक रेशो। सिंपली अगर कहीं इसकी जो आइडल रेशो 1:1 है, मतलब अगर आपने लाइबिलिटीज के 1 रुपीज पे करने हैं तो आपके पास एटलीस्ट 1 रुपीज तो होना ही चाहिए जो कि क्विक असेट है। क्लियर है जी? तो 1 रुपीज होना ही चाहिए ताकि आप क्विकली बंदे की पेमेंट कर सको, ठीक है जी। तो ये मेरे पास 1:1 रहेगी, आइडियल रेशो है। अगर ये मेरी 2:1 हो जाए तो भी कंपनी की पोजीशंस बेस्ट मानी जाएगी। हाँ, अगर ये मेरे पास 1:2 हो जाए तो इस कंडीशन को कंपनी की बेस्ट पोजीशन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ कंपनी ने 2 रुपये लाइबिलिटीज के पे करने हैं बट उसके पास ही 1 रुपीज है, तो वो कैसे पे कर सकेगी। क्लियर है जी? देन क्विक असेट है, क्विक असेट को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। अगर इसे शॉर्टकट में कहें तो क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस IPA, इन्वेंटरी, प्रीपेड और एडवांस टैक्स, ये बन जाएगा जी। देखो इसी एक सिंगल फॉर्मूले से हम कई फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। अगर सपोज मेरे को इन्वेंटरी, प्रीपेड और एडवांस टैक्स निकालना हो तो मैं करंट असेट में से क्विक असेट को माइनस कर दूंगा जी। क्लियर है? एक फॉर्मूला हमारा ये भी हो सकता है जी। दूसरे नंबर पे अगर मेरे को करंट असेट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं जी, इन्वेंटरी, प्रीपेड और एडवांस टैक्स में क्विक असेट को अगर ऐड कर दें तो करंट असेट भी आ जाएगी। क्लियर है जी? ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। बस एक चीज़ आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो करंट असेट माइनस क्विक असेट होता है वो ऑलवेज जो भी डिफरेंस शो करेगा वो हमेशा इन्वेंटरी को ही शो करेगा। क्लियर है जी? करंट असेट माइनस क्विक सेट ऑलवेज आपका जो रिप्रेजेंट करेगा वो इन्वेंटरी को करेगा जी। इसके अलावा कुछ हमारे पास और चीज़ें जो आपने याद रखनी है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं जी? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है जी, करंट लाइबिलिटीज। अगर मेरे को करंट असेट निकालनी है तो करंट असेट का एक फॉर्मूला हो रहा है जी, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज, हम ये भी लगा सकते हैं जी। अगर इसी तरीके से मेरे को करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है, करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट असेट माइनस वर्किंग कैपिटल। तो सिंपली एक ही फॉर्मूला है जिसे हम बार बार आगे पीछे करके आंसर निकाले जा रहे हैं जी, ठीक है जी। और इसके अलावा चलते हैं जी, थोड़ा बेसिक है जो आपने याद रखने हैं जो कि यूज होगा क्वेश्चंस के अंदर, टोटल डेप्ट। देखो टोटल डेप्ट का मतलब होता है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं, और जो करंट लाइबिलिटीज है उसे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। क्लियर है जी? अगर मेरे पास करंट लाइबिलिटीज फाइंड आउट करनी है तो सिंपली है टोटल डेप्ट में से आपने क्या करना है जी, लॉन्ग टर्म का डेप्ट जिसे हम नॉन करंट लाइबिलिटी कह रहे हैं वो भी फाइंड आउट की जा सकती है जी, ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। क्लियर है जी? तो शुरू करते हैं जी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी हमारे पास।
कंप्यूट करंट रेशो, आपने करंट रेशो को फाइंड आउट करना है जी। देखो फर्स्ट पॉइंट आपने करना क्या है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपने जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसका पहले फॉर्मूला लिख लेना है जी, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्योंकि फॉर्मूला लिख लेने से ही हमें पता लगेगा कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट नंबर हमें करंट असेट निकालनी है, और करंट असेट को निकालने के लिए हमारे पास देखो जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये करंट नहीं है, इग्नोर कीजिए। करंट इन्वेस्टमेंट है तो ये मेरी करंट असेट होगी 40,000। इन्वेंट्री देखो, आपने जो इन्वेंट्री लेनी है वो ऑलवेज ऐसी इन्वेंट्री होनी चाहिए जिसमें से तीन चीज़ें माइनस होनी चाहिए, लूज टूल्स, स्टोर्स और स्पेयर्स। तो आपके पास ये 280 है, 280 में से 50 पहले लेस कर दीजिए, मेरे पास 2,30,000 आ जाएगा जी इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल लेंगे जी 1,80,000, क्योंकि ये भी मेरी करंट असेट है। ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लाइबिलिटीज रहेंगी, तो ट्रेड पेबल का टोटल कीजिए 1,30,000 रुपीज जी। देन हमारे पास लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स, लॉन्ग टर्म नाम से ही पता लग रहा है जी, लॉन्ग टर्म है, इग्नोर कीजिए। शॉर्ट टर्म ब्रोइंग्स हमारी करंट लाइबिलिटीज है जी, 5,000 रुपीज हमारे करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगे। देन हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन जितने भी होंगे वो हमारी लाइबिलिटीज हैं जी। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है हमारी करंट लाइबिलिटीज रहेगी 20,000 की। कैश एंड बैंक बैलेंस है जो हमारा वो करंट असेट है जी, तो इसे करंट असेट में ले लीजिए। नाउ टोटल कर लीजिए, ये हमारा 230 एंड 40, ये 270, देन 3 लाख, 3 लाख और 180 हो गया जी, टोटल 4,80,000 रुपीज। ये हमारे पास 130 एंड 20, 150 और 150 एंड हमारे पास एक ये 50,000 है, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग्स 50 है जी। तो ओवरऑल टोटल कितना आ गया जी, 2,00,000 रुपीस आ गया। अब आपने करना क्या है जी, फॉर्मूलेस के अंदर वैल्यूज को पुट कीजिए, 480 अपॉन 2,00,000, तो इक्वल जीरो कट कर दीजिए, 40 कट। इसे अगर और कट करें तो 24 अपॉन 10 आ जाएगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2.4:1। क्लियर है जी, 2.4:1 कैसे बना, हमारे पास देखें नीचे 10 है, तो 10 है, ऊपर आपने करना कि 1 डिजिट से पहले एक डॉट लगा देना है, तो 2.4। बट आपका ये 1 अपॉन में बचा हुआ है, 1 को भी आपने लेकर ही चलना है, सिंपली जैसे मर्जी कर लीजिए, 1 आपका हमेशा रहेगा अपॉन में। अगर अगर हमारा कैसे जी, अगर जैसे 24 अपॉन 10 है, अगर इसे मैं सोल्व करूं तो ये 2.4 बन गया, अब अपॉन में कुछ भी नहीं बचा तो अपॉन में 1 लिखना पड़ेगा। बट अगर ये ऐसा होता जी 24 अपॉन 5, तो फिर यही मेरी रेशियो 24 अपॉन 5 ही बन जाती। क्लियर है जी, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर अपॉन में अगर 10-20 जैसी कंडीशन बन जाती है तो आप इसे जैसे मर्जी करके 1 ले आए, अगर बन सकता है, नहीं तो आप जितना भी है उसे वैसे ही छोड़ दीजिए, तो भी क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। क्लियर है जी, तो ये हमारी निकल गई जी करंट रेशो, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। बस इसी टाइप से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि हमने सोल्व करने हैं जी। और इसी वीडियोस के अंदर आपका ये जितने भी हैं करंट रेशो के फॉर्म, करंट रेशोज हो गए, क्विक रेशोज होगी, इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे जी, तो एक सिंगल वीडियोज में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट रेशो ऑफ ए कंपनी इज 2:1, तो करंट रेशो कंपनी की 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस या नोट अल्टर द करंट रेशो। मतलब आपने इसमें से ये बताना है कि मेरे पास जैसे 5 आइटमें दे रखी ए बी सी डी ई, इसमें से आपने सिंपली ये चीज बतानी है कि किसकी वजह से करंट रेशो मेरी इम्प्रूव हुई, रिड्यूस हुई और नोट अल्टर गई है। क्लियर है जी, जैसे इन्होंने कह दिया पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, भी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करने से करंट असेट बढ़ेगी घटेगी या कोई भी फर्क नहीं आएगा, वो आपने बताना है। तो फर्स्ट नंबर देखें जी, हम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो करंट असेट है मेरी वो 2,00,000 रुपीज़ है। हमने 2,00,000 ही क्यों करा जी, क्लियर है जी, क्योंकि मेरे को 2:1 है, तो मैं 2:1 के लिए इसे 2,00,000 मान लूंगा और करंट लाइबिलिटीज को 1,00,000 मान लूंगा जी। क्लियर है जी, लेकिन इसे लैक की फॉर्म में क्यों लिया गया, 1,000 में क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखा जी मैंने 1,000 में इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1,000 में ऑलरेडी आइटमें दे रखी हैं, तो मैंने लैक की फॉर्म में ले लिया, थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, कह रहे पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, अगर हम करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो ये रेशो मेरी
चेंज होगी या नहीं होगी ये बताना है आपने। तो मान लेते हैं लेट जो पेमेंट है ऑफ करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट हम मान लेते हैं जी मैंने जो पेमेंट करी है वो 50,000 रुपीज़ की करी है। अगर मैं 50 की पेमेंट कर दूं तो मेरी करंट रेशियो अब क्या हो जाएगी, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब देखो 2 लाख अगर मैं पेमेंट करता हूँ करंट लाइबिलिटीज की तो उससे क्या होगा, मेरा कैश भी रिड्यूस होगा। क्लियर है जी? तो 2 लाख में से 50 कट कीजिए, मेरे पास कितना बच गया, 150 बच गया। सेम जो करंट लाइबिलिटी 1 लाख की है वो भी 50 की कम हो जाएगी, अपॉन में बच गया 50,000 इज इक्वल टू 3:1। तो इससे आंसर मेरा क्या आ रहा है, इम्प्रूव आ रहा है जी। तो बस आपने मेंशन कर देना है कि रेशो हमारी इम्प्रूव होगी है फर्स्ट पार्ट से। अगर मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलूँ जी, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सपोज अगर मैं गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज कर भी लूँ तो मेरी रेशो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी ये बताना है। हम लेट करते हैं, लेट परचेज ऑफ गुड्स ऑन जो क्रेडिट है वो रुपीज़ हम 1 लाख का लगा लेते हैं जी। हमने 1 लाख रुपीज़ का गुड्स परचेज कर लिया जी। तो अब मेरी जो करंट असेट है, पहले 2 थी, अगर मैं 1 लाख का गुड्स परचेज करूंगा तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो सिंपली जी असेट भी बढ़ेगी, तो करंट असेट मेरी बढ़ गई। सेम करंट लाइबिलिटीज भी तो आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कर रहे हैं तो हमारे क्रेडिटर भी बढ़ेंगे और क्रेडिटर हमारी करंट लाइबिलिटीज है। तो ये 1.5:1 बन जाएगा जी। क्लियर है? अब ये देखें, अगर ये इसके कंपैरिजन में 2 टाइम से कम है, और एटलीस्ट ये कह रहा था 2 टाइम्स तो आपकी रहे, क्योंकि जो आइडल रेशो है या ये 2:1 हमें गिवन ही है क्वेश्चंस के अंदर, तो इसके मुकाबले में ये कम आ रही है, कम आ रही है तो आपने सिंपली क्या लिखना है जी, रेड्यूस है। नेक्स्ट करते हैं जी थर्ड पॉइंट, सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट 4,000 रुपीज़। अगर आप ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड करते हो जी, क्लियर है, और तो उससे हमारी करंट रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा, उसकी बुक वैल्यू है 5,000 की। अब आपने 5,000 वाली चीज 4,000 में बेच दी। देखो पहला पॉइंट तो ये है जी, अगर मैं अपनी ऑफिस का जो फर्नीचर है सोल्ड करता हूँ तो इससे मेरी करंट असेट घटेगी तो नहीं, क्यों नहीं घटेगी, क्योंकि फर्नीचर मेरा फिक्स असेट है। ये पॉइंट है जी फर्स्ट नंबर। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मैं सोल्ड करूंगा तो मेरे पास कैश तो आएगा 4,000, तो मतलब मेरी जो करंट असेट है वो 4,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगी, जो कि 2 लाख थी पहले, अब 2,04,000 की हो जाएगी। बट करंट लाइबिलिटीज में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज इसलिए चेंजेस नहीं आया क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर कोई भी चीज़ आपने क्रेडिट में परचेज वगैरह तो करी नहीं, ठीक है, या कोई आपने पेमेंट करी नहीं किसी की, इसलिए तो इक्वल 0 कट करके हमारे पास ये बन जाएगा जी 2.04:1। तो इससे भी हमारा आंसर क्या हो रहा है जी, इम्प्रूव हो रहा है। फोर्थ चलते हैं जी पॉइंट पे, फोर्थ में कह रहे हैं जी सेल ऑफ गुड्स 4,11,000, कॉस्ट है 10,000। अगर मैं गुड्स को सोल्ड करता हूँ तो सिंपली पॉइंट है जी, मेरी जो करंट असेट है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मैं 10,000 रुपीज़ का गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ, तो 10,000 से मेरा जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा जी, 10,000 कम कर दीजिए। लेकिन वो 10 वाला गुड्स मैंने 11 में सोल्ड करा है, तो 11,000 का कैश मेरे पास आ भी रहा है जी। इससे करंट लाइबिलिटीज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो मेरे पास ये कितना बन गया जी, 2,01,000 / 1,00,000। तो ये बन जाएगा जी 2.01:1। तो ये भी आंसर क्या रहेगा मेरा, वो इम्प्रूव रहने वाला है जी। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट लगे तो आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपना क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं जी। अगला है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखो रिडम्पशन मतलब होता है वापसी, और डिवेंचर मतलब होता है जी लोन, आपने अपना लोन वापस करना है। देखो फर्स्ट पॉइंट तो ये है जी, जो डिबेंचर होते हैं हमारे वो हमेशा हमारी लॉन्ग टर्म है, लोन है, तो लॉन्ग टर्म लोन है इसलिए हमारी ये नॉन करंट लाइबिलिटीज है। बट क्वेश्चंस के अंदर इसे आपने शॉर्ट टर्म डेब्ट मान रखा है। क्लियर? जो बुक कहती है, बुक के अकॉर्डिंगली ये कह रखा है कि ये आपका शॉर्ट टर्म
लोन है। तो शॉर्ट टर्म लोन है इसलिए अपन इसी के करना है करंट लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट कर कर चलना है कि करंट लाइबिलिटीज है हमारी ये। क्लियर है? आप फिर भी फाइनल पेपर के अंदर इसके लिए वर्किंग नोट दे सकते हो सिंगली सिंपल आप कि वी विल एज्यूम दैट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ करंट लाइबिलिटीज। भी हम ये एज्यूम कर कर चल रहे हैं कि हमारी जो करंट लाइबिलिटीज है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। ठीक है, लॉजिक। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब मेरी जो करंट असेट पहले 2 लाख थी और लाइबिलिटीज 1 लाख थी, मान लेता हूँ जी मैं 50,000 रुपीज़ की अगर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर दूँ तो मेरे पास असेट बच जाएगी 150 की और लाइबिलिटी भी बच जाएगी थी 50 की, तो मेरा ये 3:1 आ गया। अब 3:1 आ गया है तो इसका मतलब ये रेशियो जो मेरी क्या हो रही है जी, इम्प्रूव हो रही है। क्लियर पॉइंट है जी? तो ये हमारे पास कुछ इसका पार्ट थे जो कि हमने डिस्कस करे कि अगर रेशियो में कुछ भी अगर पेमेंट वगैरह कर रहे हैं किसी भी लाइबिलिटीज की या असेट वगैरह परचेज कर रहे हैं तो करंट रेशियो हमारी इम्प्रूव हो रही है, रिड्यूस हो रही है या नॉट अल्टर आ रहा है सर। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, करंट रेशियो फाइंड आउट करनी है आपने। देखो फर्स्ट नंबर, अगर करंट रेशियो फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला लिखें जी, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लो जी, वर्किंग कैपिटल गिवन है। देखो जब कभी भी वर्किंग कैपिटल गिवन आ जाए तो पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूलाज ही पुट किया जाए। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। और आगे चलते हैं जी, टोटल डेप्ट गिवन है। अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो टोटल डेप्ट होता है ना हमारा, जो टोटल डेप्ट है वो करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों का टोटल होता है जी। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मेरे पे गिवन है 70। अब लो जी, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मेरे पास 70,000 गिवन है और टोटल डेप्ट 1 लाख है तो करंट लाइबिलिटीज कितने की आ जाएगी जी, 30,000 रुपीज की हमारी करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। इस 30,000 को हमने यहाँ रखना है, करंट असेट गिवन नहीं बट वर्किंग कैपिटल क्वेश्चंस के अंदर गिवन है जी 45,000 रुपीज की। तो 45,000 हम पुट कर देंगे। लव जी, अब मेरी करंट असेट जो आ जाएगी वो टोटल आ जाएगी, ठीक है जी, 45 + 30 करके जी, तो 75,000 आ जाएगी। और करंट लाइबिलिटी कितनी है जी, 30 की है, इक्वल 0 कट कीजिए। हमारे पास ये जो बनेगा 25/10, इट मीन्स 2.5:1, ये हमारी करंट रेशियो बन जाएगी जी। क्लियर है? बस इसी तरीके से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, फ्रॉम दी फ्लोइंग डाटा कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। आपने लिक्विड रेशियो भी निकालनी है। देखो फर्स्ट नंबर हम दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं जी, जो करंट रेशियो होती है वो करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी होती है, और इसी तरीके से जो क्विक रेशियो होती है वो क्विक असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज होती है। क्लियर है जी? अब देखें जी, अब फर्स्ट नंबर मेरे पास गिवन है लिक्विड असेट। लो जी, लिक्विड असेट गिवन है तो लिक्विड असेट का मतलब होता है क्विक असेट, आपको क्विक असेट गिवन है जी। लो जी, क्लियर है? और देखते हैं जी आगे, आपको इन्वेंट्रीज गिवन है। अब देखो इन्वेंट्री और लिक्विड असेट ये हमने कुछ फॉर्मूलेज भी सीखे थे याद हो। फॉर्मूला अगर आपको एक बार बता दें जी, कि जो क्विक असेट होती है वो हमारे पास करंट असेट माइनस इन्वेंट्री प्रीपेड एडवांस टैक्स, ये चीज होती है। अगर मेरे को करंट असेट निकालनी है तो मैं क्विक असेट के अंदर क्या करूं जी, इन्वेंट्री प्रीपेड और एडवांस टैक्स तीनों को ऐड कर दूं तो मेरी करंट असेट आ जाएगी। तो मेरे पास देखो जी इन्वेंट्री है, एक प्रीपेड है। अगर ये मैं लिक्विड सेट के अंदर जाके ऐड कर दूं, लिक्विड सेट का मतलब ही क्विक सेट होता है जी, याद रखना। क्लियर है? तो 75, अब ये जो 20 है इंक्लूडिंग लूज टूल्स है, मेरे को विदाउट लूज टूल्स को करके लेना है इन्वेंट्रीज, तो मतलब 75 और 15 ये मेरे हो जाएंगे टोटल 90,000। 90 और 10 हो जाएगा जी 1 लाख। लो जी, आपने ये 1 लाख रुपीज यहाँ रख देना है, टोटल जो मेरी करंट असेट तैयार होगी। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट 1 लाख है, करंट लाइबिलिटीज अभी भी रह गई। अब लो जी, आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है,
अगर वर्किंग कैपिटल गिवर है तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लो जी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है जी, 60 की गिवन है और करंट असेट 1 लाख की गिवन है। करंट लाइबिलिटीज गिवन नहीं, तो करंट लाइबिलिटीज आपकी लेफ्ट तरफ में ले आई, देन 1 लाख माइनस 60,000, तो 40,000 रुपीज की क्या रहेगी, करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो 40,000 रुपीज आपने यहां पुट करने हैं करंट लाइबिलिटीज का जी, क्लियर है, 40,000 हमने यहां पुट कर देना है। लो जी, 40 इक्वल काट दो, यहाँ ऊपर रह जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5:1 होता है जी। तो ये हमारी करंट रेशियो तैयार होगी। सेम इक्वल जीरो कट कीजिए, अगर हम ऊपर सोल्व करना चाहें तो इसे कैसे करेंगे, 5 की टेबल कट कर लीजिए, इसे कट करेंगे जी 5 8 जा, और इसे कट करेंगे जी 15 आ जाएगा, क्लियर है जी। हमारे पास ये 15/8 बन रहा है, 15/8 को अगर आपने सोलो करना है जी और छोटा कर लीजिए, तो 8 बन जाएगा हमारा, ठीक है जी। और यहाँ रह जाएगा 7 और 0, तो ये 1.8 के आसपास कुछ बन गया हमारा, क्लियर है जी। मतलब इसी तरीके से हमारे पास जो भी इनका बनता है सोलो करके, वो आपने आंसर इसका निकाल के इसको पुट कर देना है जी। तो हमारे पास ये ओवरऑल जो बनेगा 1.8 7 5:1, तो ये हमारे पास इसका आंसर तैयार हो जाएगा जी। क्लियर है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे जी, क्लियर है जी। वीडियोस देखो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट ये है कि आपको सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसी वीडियोस के अंदर सिंगली में आपके डिस्कस किए जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम दी फ्लोइंग्स। आपने करंट रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट नंबर हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे जी, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है, देखो वर्किंग कैपिटल जब भी गिवन हो आपने फॉर्मूला लगा लेना है जी, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि उसको लगा लेने से आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। तो फर्स्ट नंबर वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है जी 63,000, करंट असेट गिवन है जी 8,40,000 की। अब ध्यान से देखें जी, देखो जब हमें करंट असेट गिवन है, करंट असेट ऑलवेज किस चीज का होता है टोटल, आपके पास जैसे कि ये हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी याद हो प्रीवियस चैप्टर के अंदर, जो कि हमने कॉमन एंड कंपेरेटिव करा था, याद है CITCSO। तो उसके अंदर टोटल CITCSO का मतलब क्या था कि करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट असेट होती थी एक हमारे पास, तो मतलब इन सब का टोटल हुआ करता था याद हो। तो मतलब ये जो इन्वेंट्री है वो ऑलरेडी मेरी इसके अंदर इंक्लूड ही है 40,000 की, 4 लाख रुपीज की, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इन्वेंट्री इसके अंदर इंक्लूड है, तो फिर इसका बात ग्रंटेड है जी, लूज टूल्स भी इंक्लूड होगा, क्योंकि लूज टूल्स आपका इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें करना क्या है जी, 840 में से मेरे को 1,05,000 रुपीज लेस करने हैं। लेस करने के बाद जो ये अमाउंट निकल कर बाहर आएगी, यही मेरी करंट सेट होगी 7,35,000 रुपीज की, और ये मेरी करंट लाइबिलिटी रहेगी। अब करना क्या है जी, करंट लाइबिलिटी को इस तरफ ले आए, 7,35,000 माइनस कीजिए 63,000 रुपीज, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा जी, करंट लाइबिलिटी आएगी, पुट कीजिए। करंट सेट आपको गिवन ही है कितनी जी, 7,35,000, डिवाइड कीजिए, आंसर अपना तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस थोड़े सी आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, फॉर्मूलाज के बिना इसका कोई खेल नहीं है आपका जी। लो जी, करंट लाइबिलिटीज एक कंपनी की 350 है और इसकी करंट रेशियो 3:1 है, एसिड टेस्ट रेशियो है जी वो 1.75:1 है। हमें देखे जी क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज गिवन है पहले हम वो पुट कर लेते हैं जी, हमारे पास गिवन क्या है जी, करंट लाइबिलिटीज 3,50,000 की गिवन है जी, करंट रेशियो गिवन है 3:1 है, और जो क्विक रेशियो है जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो भी कह सकते हैं जी, वो गिवन है मेरे पास 1.75:1 है जी। हमें निकालना क्या क्या है, करंट असेट फाइंड आउट करें, क्विक असेट मींस लिक्विड असेट फाइंड आउट करें, और इन्वेंटरी फाइंड आउट करें। देखो फर्स्ट नंबर है मेरे पास करंट रेशियो गिवन है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा लेते हैं जी, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये 3:1 है, इसे 3/1 लिख सकते हैं,
करंट असेट गिवन नहीं बट करंट लाइबिलिटीज तो गिवन है, इसे पुट कर लीजिए 3,50,000। क्रॉस करें, करंट रेशियो तैयार हो गई जी 10,50,000 की। लो जी, फॉर्मूला लगाने से ही आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा कि मैंने करना क्या है क्वेश्चंस के अंदर, तो फॉर्मूला जरूर याद रखें जी। तो क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो के लिए क्विक सेट अपॉन करंट लाइबिलिटी चाहिए। लो जी, क्विक रेशियो कितना है, 1.75:1 है, और क्विक सेट गिवन नहीं बट मेरे को करंट लाइबिलिटीज तो गिवन है, कितनी जी 3,50,000 अपॉन कर लीजिए मल्टीप्लाई इनका। तो क्विक सेट इज इक्वल टू 3,50,000 इंटू में 1.75:1 है, मतलब ऐसे बन जाएगा सिंपली, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो। लो जी, अब पॉइंट को हटाने के लिए 00 लगा लीजिए, इसे आपने क्या करना है, कट कर लीजिए। देन आपने करना क्या है जी, क्विक असेट आपने 3,500 इंटू में 1.75 की मल्टीप्लाई कीजिए, क्विक सेट तैयार हो जाएगी आपकी। अब आपने की इन्वेंट्री निकालनी है, याद है आपको कि क्विक सेट का फॉर्मूला था, हमने एक पढ़ा था, करंट सेट माइनस इन्वेंट्री प्रीपेड एडवांस टैक्स, ठीक है जी। अगर मेरे को इन्वेंट्री निकालनी है तो इन्वेंट्री मेरी इस तरफ आएगी तो प्लस हो जाएगी, और करंट सेट में से मैं क्विक सेट को माइनस कर दूं, जो भी आंसर आएगा जी इन दोनों का डिफरेंस इन्वेंट्री होने वाला है। क्लियर है जी, देखो सिर्फ फॉर्मूलाज ही याद होनी चाहिए, ठीक है जी। और आगे चलते हैं क्वेश्चंस। सेकेंड है जी मेरे पास इसी के अंदर वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी। लो जी, वर्किंग कैपिटल गिवन है तो वर्किंग कैपिटल पुट कीजिए 30,000 रुपीज की है। करंट रेशियो गिवन है जी, करंट रेशियो पुट कर लीजिए 2.5:1 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट असेट, आपने एक तो करंट असेट निकालनी है, ठीक है जी। एसिड टेस्ट भी निकालनी है, एसिड टेस्ट रेशियो करंट लाइबिलिटी भी निकालनी है जी, और क्विक रेशियो भी फाइंड आउट करनी है। इन्वेंट्री की वैल्यू आपको गिवन है जी 26,000 की गिवन है। लो जी, जो जो डाटा गिवन है वो डाटा हमने राइट डाउन कर लेना है, इससे आपको कई बेनिफिट मिलने वाला है जी। फर्स्ट नंबर पे देखिए, मेरे को वर्किंग कैपिटल गिवन है और ये मेरे पास क्या है जी, करंट असेट होती है और ये मेरी करंट लाइबिलिटीज है, क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला ही क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये करंट असेट है, ये करंट लाइबिलिटीज है। अब मैं क्या करूं जी, वर्किंग कैपिटल निकालनी हो तो करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दें, मतलब मेरी 2.5 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो 1.5 क्या आएगा जी, वो मेरी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। लो जी, अब आपने क्या निकालना है जी, करंट असेट निकालनी है। लो जी, करंट असेट निकालनी है। देखो, जिस चीज को आपने फाइंड आउट करना है उस चीज को हमेशा आपने ऊपर पुट कर देना है न्यूमिरेटर की जगह। देखो, करंट असेट मेरे पास कितना है जी, 2.5 है, और यही चीज मेरे को फाइंड आउट करनी है। अब देखो, करंट असेट निकालनी तो है किसके बेस पे, देखो किसके बेस पे निकालनी है, वर्किंग कैपिटल के बेस पे निकालनी है। तो वर्किंग कैपिटल को मैंने अपोन में रखना है, मतलब जो कि 1.5 है, 1.5 इंटू में कर दीजिए कितना, 30,000। लॉजी, अब आपका ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वन डिजिट मतलब 10 नीचे भी आएगी, 10 ऊपर आएगी, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगी। तो 15 × 30,000 है हमारा, मतलब 15 से हमने डिवाइड करना है सिंपली, 30,000/15 कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा 2,000। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 50,000 आ जाएगा, मेरी करंट असेट आ जाएगी फर्स्ट नंबर। अब मेरे को करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है जी, फिर दोबारा से जो चीज निकालनी है उसे आपने ऊपर रख दो। किसके बेस पर निकाल रहा हूँ जी, वर्किंग कैपिटल के बेस पर निकाल रहा हूँ, तो 1.5 × 30,000। अब ये पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो 10 ऊपर लगा दीजिए, ताकि आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कीजिए 2,000 × 10 कीजिए, 20,000 आ जाएगा। लो जी, अब क्वेश्चंस के अंदर कह रखा है जी, क्विक रेशियो निकाल लो, तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक सेट अपॉन करंट लाइबिलिटी करना है। और क्विक सेट कैसे निकलेगी जी, क्विक सेट को निकालने के लिए करंट सेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दो, ताकि मेरी क्विक सेट निकल आएगी। तो 50 − 26 कीजिए, कितना आ जाएगा जी, 24,000 आ जाएगा। और करंट लाइबिलिटीज कितना है, 20 है। लो जी, 20 से डिवाइड कीजिए, ये अपने पास जो आंसर आएगा 1.2:1 आ जाएगा। क्लियर है जी, ये हमारे पास क्विक रेशियो आ जाएगी। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है जी, आगे चलते हैं। और देखो, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं मेरी तरफ से, वो मैंने सारे के सारे ही आपको सोल्व करवा दिए हैं एक सिंगल वीडियो के अंदर,
ठीक है जी। ए फर्म हैज ए करंट रेशियो, फर्म की करंट रेशियो है जी, करंट रेशियो इज इक्वल टू 3.5:1 है, और क्विक रेशियो गिवन है जी 2:1 है, 2:1 मेरी क्विक रेशियो है। एज्यूमिंग इन्वेंट्री, लो जी इन्वेंट्री कितना गिवन है 24,000 है, 24,000 है। लो जी ध्यान से देखें जी, फर्स्ट नंबर ये मेरी क्या है करंट असेट, इस क्वेश्चन के अंदर करंट असेट होगी 3.5:3.5 आपकी सिंपली। करंट लाइबिलिटी कितनी है जी 1 है, और ये वाला मतलब मेरा क्विक असेट होती है, क्योंकि क्विक असेट अपॉन क्विक करंट लाइबिलिटी मेरा फॉर्मूला है क्विक रेशियो का, तो क्विक सेट 2 है, करंट लाइबिलिटीज आपकी 1 ही रहने वाली है। अब आपको ये इन्वेंट्री गिवन है, याद है जी क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस इन्वेंट्री होती है, तो इन्वेंट्री को निकालना है, तो करंट असेट में से आप क्विक असेट को माइनस कर दीजिए, मतलब 3.5 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी 1.5 आ जाएगी। अब क्वेश्चंस के अंदर हमें फाइंड आउट क्या करना है, करंट सेट निकालनी है, करंट लेबिलिटी निकालनी है जी। लो जी करंट सेट को निकालना है और करंट लेबिलिटी को निकालना है। देखो जो चीज़ निकालनी है उसे हमेशा हमने ऊपर रखना है, लो जी 3.5 अपोन में उसे रखें जिसके बेस पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। मैं निकाल रहा हूँ इन्वेंट्री के बेस पे, तो इन्वेंट्री मेरी कितनी है 1.5 है जी, 1.5 इंटू में 24,000 कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट मेरा कैंसिल हो जाएगा जी। अब बचा गया जी 5 7 जा एंड 5 3 जा, 3 8 जा कीजिए, मल्टीप्लाई करें, आपकी करंट सेट तैयार हो गई। नाउ करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी निकालनी है उसे हमने ऊपर रखना है, किसके बेस पर निकाल रहा हूँ जी इन्वेंट्री के बेस पे, तो इन्वेंट्री को पून में कर दीजिए इंटू 24,000 करें, ये पॉइंट के बाद मेरा 1 डिजिट है तो 10 ऊपर चलेगी ताकि पॉइंट कैंसिल हो जाए, तो 5 2 जा देन 5 3 जा, इसे कट कीजिए 8 आ जाएगा, 8 इंटू 2 कीजिए 16,000, वो अपनी करंट लाइबिलिटी तैयार हो जाएगी जी। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हैं जो हम सोल्व करते हैं जी और देखते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास कैलकुलेट क्विक रेशियो, आपने क्विक रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक सेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लो जी वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो देखो पहला पॉइंट है जी वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लेते हैं करंट सेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल डेप्ट गिवन है और लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन है, ठीक है। टोटल डेप्ट का मतलब करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपकी नॉन करंट है, तो 4 में से अगर मैं 320 माइनस कर दूं बच गया 80, तो 80,000 मेरी क्या निकल आएगी जी करंट लाइबिलिटी निकल आएगी, 80 अपॉन में रख दीजिए, बच गया जी क्विक सेट चाहिए, और क्विक सेट के लिए आपके पास ठीक है जी। लो जी फर्स्ट नंबर मेरे पास ना वर्किंग कैपिटल गिवन है कितने की 2,50,000 की, वो पुट कर दीजिए, करंट सेट नहीं है बट करंट लाइबिलिटी गिवन है 80 की, तो मैं क्या करूँ जी इस 80 को ऐड कर दूँ, ऐड करने से मेरा 3,30,000 करंट सेट आ जाएगी, और अब मेरे को चाहिए क्विक सेट, और क्विक सेट कैसे निकलती थी जी याद हो, करंट सेट माइनस IPA इन्वेंट्री प्रीपेड एडवांस टैक्स। तो क्विक सेट क्वेश्चंस के अंदर निकालनी है आपने, फाइंड आउट करनी है, तो करंट सेट है जी 330 माइनस कर दो जी इन्वेंट्री 2 लाख रुपीज़ की, इन्वेंट्री 2 लाख माइनस कर दो, 10,000 का क्या गिवन है जी आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसे माइनस कीजिए बस। लो जी 3,30,000 में से 2 गया 130, 130 में से 10 और कट कर दीजिए, बच गया कितना जी 1,20,000। लो जी 120 आपकी एक वन क्विक सेट होगी तैयार। लो जी आपकी इक्वल 0 कट कर दीजिए, अब 4 2 4 3 मतलब मेरा 3/2 आ गया, 3/2 मीन्स 1.5:1 जो कि मेरी क्विक रेशियो हो जाएगी जी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास द रेशियो ऑफ करंट सेट रुपीज 3 लाख टू करंट लाइबिलिटी इज दिस 2.4:1, मतलब मेरे पास क्वेश्चंस के अंदर जो गिवन है जी वो है करंट रेशियो, कह रखा है जी वो आपकी 2.4:1 है, जिसका फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है जी। तो चेक करते हैं जी मेरे पास क्वेश्चंस के अंदर करंट असेट गिवन है 3 लाख की, लो जी 3 लाख, बट करंट लाइबिलिटीज गिवन नहीं, तो क्रॉस कर लेते हैं जी, तो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 3 लाख अपॉन 24, 2.4 इंटू में आप 10 और लगा दीजिए ताकि पॉइंट्स आपका ख़त्म हो जाए। अब डिवाइड कर लेते हैं जी हमारे पास
टू की टेबल पे, ये 12 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा जी। इसे कट कीजिए, 6 आ सकता है हमारा, और इसे कट कीजिए हमारा कितना आ जाएगा जी, 1,50,000 आ जाएगा। ये चीज़ बन गई। इसे हम और भी कट कर सकते हैं, ये 3 आ जाएगा और ये मेरा 75 आ जाएगा। टू की टेबल पे कट कर रहे हैं सिंपली, इसे कट कीजिए 25 आ जाएगा। 25 इंटू 5 कीजिए कितना होगा, 1,25,000 होगा, जो कि मेरी करंट लाइबिलिटीज है जी। लो जी, करंट लाइबिलिटीज। अब देखो क्वेश्चंस के अंदर हमें लास्ट में फाइंड आउट क्या करना है, हम वो देखेंगे, पहला पॉइंट है जी। तो मेरी जो करंट सेट है जी इस क्वेश्चंस के अंदर गिवन, वो है जी हमारे पास 3 लाख रुपीज। करंट सेट गिवन होगी 3 लाख की, करंट लाइबिलिटीज गिवन होगी 1,25,000 की, ठीक है जी। यहां तक हमारी करंट सेट एंड करंट लाइबिलिटीज तैयार है जी। एक बार लिख लेते हैं, करंट सेट है जो 3 लाख है, करंट लाइबिलिटीज आपके पास 1,25,000 की निकल आई है जी, क्लियर है जी। अब जो नेक्स्ट काम क्या है, क्वेश्चन के अंदर कह रखा है, द अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करंट रेशियो ऑफ 2:1 बाय एक्वायरिंग सम करंट असेट्स ऑन क्रेडिट। मतलब जो अकाउंटेंट है हमारा फर्म का, इस फर्म का, वो इंटरेस्टेड है करंट रेशियो को 2:1 बनाने के लिए, लेकिन वो कुछ पार्ट है करंट असेट का परचेज करेगा क्रेडिट पे। लो जी, फर्स्ट नंबर मेरा जो अकाउंटेंट है वो इंटरेस्टेड है जी 2:1 को मेंटेन करने के लिए, बट वो कुछ पार्ट है करंट असेट का परचेज करेगा ऑन क्रेडिट। मान लेते हैं जी उसने एक्स पार्ट वो परचेज करा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही कह रखा है, जो उसने पार्ट परचेज करा है आपने उस पार्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चेक करते हैं जी, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट हिम अमाउंट ऑफ करंट असेट्स विच मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। भी इस पर्पस के लिए उसने जो सेट परचेज करी हो तो उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर मैं कोई भी पार्ट को परचेज कर रहा हूँ तो करंट सेट भी बढ़ेगी और लाइबिलिटीज भी बढ़ेगी, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं हम। दोनों का क्रॉस कीजिए, क्रॉस करने के बाद ये मेरा आ जाएगा 2,50,000 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 लाख प्लस x। अब x वाले एक तरफ कर लीजिए आपके पास, और बिना x वाले एक तरफ कर लेंगे तो 2x ये माइनस x हो जाएगा, 3 लाख माइनस 2,50,000 कीजिए। लो जी ये x आ गया, ये मेरा 50,000 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 50,000 की कोई भी चीज़ परचेज करता हूँ ऑन क्रेडिट तो मेरी करंट रेशियो 2:1 बन जाएगी। इसी चीज़ को हम वेरीफाई करके देख लेते हैं जी, क्या ये वाकई में x 50,000 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लो जी अब देखते हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज है। करंट सेट मेरे पास गिवन है जी 3 लाख की, और करंट लाइबिलिटी कितने की गिवन है जी 1,25,000 की। अगर मैं इसमें से 50,000 रुपीज ऐड कर दूं दोनों में, क्या वो 2:1 बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि अगर वो 50 का एक्वायर करने के बाद ही 2:1 निकलनी चाहिए, क्लियर है जी। तो ये मेरा बन गया जी 3,50,000, ये अपॉन में बन गया जी 1,75,000। इक्वल जीरो कट कर दीजिए, 350 और 175, ये 175 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 350 आ जाएगा, जो कि 2:1 आएगी। इट मीन्स हमारा ये 50,000 रुपीज आंसर हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट रहेगा जी। तो इस तरीके से ये हमारे पास अकाउंटिंग रेशो का जो फर्स्ट हमारा पार्ट था, जिसके अंदर हमने लिक्विडिटी रेशो फुल डिस्कस करी है जी, और जिसके अंदर हमारे दो पार्ट थे, एक हमारी करंट रेशियो थी, एक हमारी क्विक रेशियो थी, क्लियर है जी। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियोस के अंदर मैंने जितने भी पॉसिबल फॉर्मूलाज हो सकते थे क्विक रेशियो और करंट रेशियो से रिलेटेड, वो मैंने सारे के सारे आपको मेंशन कर दिए हैं जी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जी, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा जी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी चैप्टर की और इससे अगले जो चैप्टर हैं उनकी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। थैंक यू।